सो यो व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में, तो मुझे खुद नहीं याद, हाँ लास्ट एपिसोड में हमने एक अपना क्रिएटिव से घर बनाया था। तो मैंने सोचा कि यार एक अपने खुद की मेहनत से घर बनाना चाहिए, वो अगर एक क्रिएटिव टाइप वर्ल्ड था, तो इसलिए मैंने उसे इतनी ज़्यादा वो नहीं दी थी। तो मैंने एक वर्ल्ड क्राफ्ट किया और मैंने बहुत टाइम से, आपने देखा होगा वीडियो नहीं आई, तो मैंने बैठ के यहाँ पर थोड़ा बहुत करा था कुछ, मतलब क्या बोलते हैं इसे, बैठ के थोड़े बहुत आइटम्स वगैरह, चीज़ें वगैरह बनाई थी। तो जाके मैं बना लिया थोड़े बहुत आइटम कि मैं इनसे घर बना सकूँ, इतने तो मैंने बना ही लिए हैं। तो अब मैं फटाफट से घर भी बना लूँगा इनसे। तो अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ें लेके चलता हूँ, जिसके अभी मेरे को नीड पड़ने वाली है ना, उतनी चीज़ें लेके जाने वाला हूँ मैं, फालतू नहीं लेके जाऊँगा अभी। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं ग्लास भी ले चलता हूँ। बाकी जगह तो कोई इतनी यहाँ पर खास नहीं है, यहाँ पर पीछे की साइड में मैं बनाऊँगा। और बाकी मैं पूरा आयरन कवर दूँ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मॉब्स के लिए मतलब मॉब्स से, तो गाइस इधर की तरफ में हम बनाएंगे अपना एक मेंशन बनाने वाले हैं, हमको घर वगैरह नहीं बनाएंगे। तो उसके आउटर लेयरिंग के लिए मैं सामान बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो ओके गाइस, लास्ट नेट में सो के भी आ गया था, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा, मतलब कि एक आउटर लुक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसे हमें एक्सटेंड करना है ऊपर की तरफ में, तो इतनी हाइट मेरे हिसाब से तो बहुत रहेगी, या एक और बढ़ा देते हैं। तो ले भाई, बहुत अच्छे। तो मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ। बाकी अब से मैं अपनी सर्वाइवल सीरीज शुरू कर दूंगा ढंग से बिल्कुल, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं था माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज में। और जीटे की वीडियो भी जल्दी आएगी गाइस, तो उसकी भी आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। और मैं आपको बताऊं तो इसके, मैं शायद फर्स्ट से पार्ट से ही शुरू करूंगा इसका, क्योंकि वो सारे हैं ना भाई, मैं वैसे सर्वाइवल सीरीज के नाम पर ही शुरू करता था, लेकिन होते नहीं थे वो कभी भी शुरू। भाई इसकी ख़त्म भी हो गया, कोई नहीं, और भी रखे हुए अंदर, आई मीन घर पे। जो पता था बहुत ज़्यादा लग जाएंगे, इसलिए मेरे को तो मैं पहले एक बार ले आता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ ये वाली पूरी कवरिंग करने के बाद। सो ओके गाइस, यहाँ पर हमारा एक इंटरफेरेंस पूरा हो चुका है, मतलब कुछ इस टाइप का हमारा यहाँ पर घर होने वाला है। तो वेल वेरी गुड। तो मेरे को ये वाला ही तोड़ देता हूँ। हाँ, तो अब मेरे को यहाँ पर जो है काम है इनका, तो फटाफट से इनको लगाते हैं, एक एक लगाने से इतने नहीं। ऐसे इधर भी ऐसे ही लगाने हैं, तो इधर भी हो गए। फालतू के ब्लॉक लग जाते ना, बड़े गंदे लगते हैं। तो मेरे को अब दोनों के बीच का यही ब्लॉक था, तो
इन दोनों को मैं तोड़ लेता हूँ। इधर एक हमारा डोर आएगा जहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो अब यहाँ से हमें बनाना है 1 2 3 4, चार के कैप पे बनाते हैं। सॉरी गाइस, मेरे आप सोच रहे होंगे मेरे को पता नहीं आज क्या हो गया, मैं उसे बनाया नहीं जा रहा। अगर तो ये मेरे कंट्रोल्स बदल गए ना, पहले वो दूसरे वाले थे, अब ये बीच में ये प्लस का सिंबल आ गया है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे हो करके जज जाएगा ये मेरे से, इसलिए मैं थोड़ा कट करके डाल रहा हूँ। तो इसे तो फटाफट से कंप्लीट करता हूँ मैं। ओके, हाँ हो गया ये, वेरी गुड, ऐसे ही। हाँ तो ऐसे तो ये कुछ एंट्रेंस हो गई हमारी, और इधर की तरफ मेरे को स्लैब्स लगाने थे थोड़े बहुत। तो वो भी लाया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। भाई गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना, क्योंकि मैं काफ़ी देखता हूँ कि व्यूज़ तो खैर इतने भी नहीं आते, लेकिन जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ये चैनल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं सब पूरा सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो कंटेंट्स लाता रहूँगा। उस रेड कलर का एक ऑप्शन होता है सब्सक्राइब का, उसे दबा दो बस। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो हाँ तो बस ऐसे एक इंटरफेरेंस होगा, यहाँ से अंदर आना होगा। तो कुछ इतना है फ़िलहाल, मैं सो के आता हूँ और सामान लेके आता हूँ तेरी ऐसी की तैसी। तो ओके गाइस, मैंने ऊपर की छत भी यहाँ पर जो बना दी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसी यहाँ पर लग रही है ये, वैसे अंदर का नहीं भरा है, तो वो भी मैं भर दूँगा। तो सबसे पहले मैं बाहर का करता हूँ एक बार, मेरे दिमाग में एक अभी अभी आइडिया है। तो इनको बथेरी ऐसी की तैसी, तो मैं इनको ऐसे स्लैब में एक मिनट नीचे ही सही करता हूँ। हाँ तो ऐसे ऐसे इनको स्लैब में लगाना है। ये जो जो ये ख़राब लग रहे हैं ना, इन सबको मैं ठीक कर दूँगा। तो पहले इनको तोड़ते हैं, अब इनको करता हूँ मैं। तो ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन सा मैंने बना दिया है इन पर। तो अब मेरे को बस एक बार छत और कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर हमारी हवेली कंप्लीट हो जाएगी। तो ओके गाइस, ये देखो भाई भाई भाई, मेरे को तो भाई कसम से बिल्कुल एकदम ऐसे ओपी लगने लग गया है। अगर देख सकते हैं आप, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये दोनों साइड मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से एक पूल टाइप बना दिए, ताकि ना सको और क्या। इधर की तरफ में कुछ ऐसा है, इधर भी सेम वही डिज़ाइन है, और इस साइड भी। वैसे तो ये सारा सेम डिज़ाइन बनाया मैंने, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को तो ओपी एकदम लुक लग रही है। आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी फटाफट से मैं एक और फ्लोर ऊपर बना लेता हूँ इसका।
अब आप लोग सोच रहे होंगे ऊपर एक और बोला और बनाने की कुछ कोई जरूरत है भी नहीं यार, लेकिन यार फिर इतना ऐसे अधूरा सा लग रहा है, विला टाइप नहीं लग रहा, तो मैं एक ऊपर फ्लोर और बना दूंगा ना तो काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। तो चलो बनाते हैं फिर। ओके गाइस, आपको एक बार दूर से मैं दिखाता हूँ हमारे घर की लुक एकदम, भाई साहब मैं क्या बताऊँ, देख सकते हो आप, अब ये लग रहा है कि एकदम फुल मेंशन टाइप सा, देख सकते हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये देखो भाई साहब, मेरे को तो मैं सच्ची बताऊँ ना गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पर एपिक लग रहा है। तो मैं आपको एक बार चल के अंदर से भी दिखा देता हूँ कैसे क्या क्या मैंने इसमें लगाया, सब कुछ मैंने लगा डाला है जो जो मैंने करा था बनाया था। तो ऐसे इधर से एंट्री, तो इधर की तरफ में थोड़ी बहुत चेस्ट वगैरह हैं, इधर की तरफ में मैंने अपना फुल एनचेंटिंग, पीछे की तरफ में एनविल वगैरह है, वो मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा बहुत सामान जो जिसे यूज़ में आया था वो, इधर की तरफ में थोड़ी चेस्ट रखी हुई, इधर एक सोफ़ा मैंने बना दिया यहाँ पे, और इधर की तरफ में फुल एकदम स्मेल्टिंग है, और इधर में है ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं हम सोएंगे रहेंगे कहाँ पे, तो वो सीधा ऐसे घुसते ही ऊपर का हवेली में होता है ना, ऐसे ही सामने ही सीढ़ियाँ होती हैं, तो वैसे ही मैंने थोड़ी थीम देने की कोशिश की है। तो इधर की तरफ में यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने बनाया तेरी ऐसी की तैसी, इधर की तरफ में आएगा एक डायमंड कार्मर और एक आएगा नेदराइट कार्मर जो कि मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं खुद ही नहीं पहन लेता। इधर एक एंडर चेस्ट है, इधर की तरफ में दो आर्मर थे मेरे पास, वो मैंने इन्हें पहना दिए, बाकी मैं शील उतार के रख देता हूँ अभी। और इधर की तरफ में हमारा एक बेड है, तीन बेड है, एक नहीं है। काफ़ी फ्यूचर तक की प्लानिंग है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस यही कुछ हमारा विला था। तो पसंद, अगर आपको ये घर का आर्किटेक्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ बताना, लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बताना कैसा लग रहा है आपको हमारा आलीशान विला। तो फिर बस आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो चलो गाइस फिर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।